हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो में बनाने वाली हूँ राधा कृष्ण जी की पेंटिंग, जो कि वाटर कलर से मैं बनाने वाली हूँ, जिसमें एक्रेलिक पेंट एंड ब्रश पेन भी यूज़ करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे कि मैंने क्या क्या आपको बताया, आप वो सब नहीं सीख पाओगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, उसको एंड तक देखना ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। एंड आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो, तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने भी वाली हूँ, तो आप तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यह है मेरा पेपर, जो कि एकदम नॉर्मल पेपर है, और मैंने इसमें आउटलाइन कर ली है एंड मैंने मास्किंग टेप भी स्टेबल कर दी है। मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मैं बनाने क्या वाली हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड ये है मेरा जो जिसे मैं बनाने वाली हूँ, तो सेम ऐसा ही बनने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, तब जाके पता चलेगा ना आपको मैं किस तरीके से बनाने वाली हूँ। मैं सबसे पहले ब्रश पेन का यूज़ करने वाली हूँ, स्काई ब्लू, जो मैं कृष्णा में सबसे पहले करूँगी। पानी का यूज़ करूँगी, पहले मैं स्प्रेड को साफ कर लेती हूँ, क्योंकि इस पर पहले से दूसरा कलर लगा है इसलिए। उसके बाद मैं इसमें स्काई ब्लू करूँगी। उसके बाद मैं आपको पता है कि पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं अब इसमें पानी मिक्स करके तब कृष्णा में कलर करूँगी। तो आप देखो मैं किस तरीके से करती हूँ। तो सबसे पहले हमें एकदम लाइट शेड देनी है कलर की, एंड देन उसके बाद हम उसमें डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले वही कर रही हूँ, एक सबसे पहले लाइट शेड दूँगी लेयर, उसके बाद इसमें डिटेलिंग करेंगे। आपको भी इसी तरीके से करना है। एंड देन उसके बाद अब मैं राधा जी के लिए फेस कलर बनाऊंगी, जो कि मैंने लिया है वाइट कलर एंड येलो एंड ऑरेंज, इन तीनों को मिक्स करना है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हमें वाइट वाले की रखनी है, उससे कम येलो की, उससे कम ऑरेंज की, तब जाके हमें जो कलर चाहिए वही बन पाएगा। हमें ऑरेंज ज़्यादा नहीं करना है, फिर येलो ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लेयर है, तो फर्स्ट लेयर के हिसाब से हमें हल्का देना है सबसे पहले। तो मैं वही दूंगी, तो देखना मैं किस तरीके से देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखो प्लीज़, तभी आप जाके कुछ समझ पाओगे कि हम किस तरीके से हमें पेंटिंग करनी है वाटर कलर से। बाय द वे, अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो आप नहीं समझ पाओगे कुछ भी। तो मैं बैकग्राउंड में एक्रेलिक पेंट कर रही हूँ येलो, इससे मैंने हल्का सा ऑरेंज कलर मिक्स कर दिया है, जिससे ये हल्का सा येलो थोड़ा डार्क हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा डार्क करा करने के लिए ऑरेंज कलर मिक्स करा है। अब मैं इसको अच्छे से पेंट करती हूँ। एंड जब तक आप वीडियो को लाइक करो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को एंड तक देखो, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला है, जब तक आप देखोगे नहीं आप समझोगे कैसे, तो इसलिए आपको देखना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, और अपने आप पे काम करना भी ज़रूरी है। एंड मैंने ऑरेंज और ग्रीन भी कर दिया है पत्तियों पे। अब मैं नीचे मैंने कमर बनाया था, तो उस पर मैं पिंक कलर करूँगी। पहले मैं इसमें हल्का शेड दूंगी, उसके बाद इसमें डिटेलिंग करूँगी। एक्चुअली हम इसमें डिटेलिंग नहीं, हम इसमें डिज़ाइन बनाने वाले हैं। पूरे में डिज़ाइन होगी, बस राधा कृष्ण में डिज़ाइन नहीं होगी, ये थोड़ा अलग बनने वाला है पेंटिंग। तो आप देखना मैं किस तरीके से इसको बनाती हूँ। अब मैं इसमें पूरे में जहाँ वाइट है उसमें एक्रेलिक का ब्लैक कलर कर दूँगी पूरे में, उसके ऊपर
अब देखना मैं किस तरीके से डिज़ाइन बनाती हूँ। अलग कलर से बनेगा जो कि ब्लैक के ऊपर दिखेगा, तो आप उसको भी देखना कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है इस तरीके से, तो आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो देखिए मैंने पूरा ब्लैक कलर कर दिया है। अब हम जो मैंने येलो करा था उसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे, जो है चॉकलेटी कलर, उससे मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो ये बहुत सुंदर बनने वाली है पेंटिंग, ये आप समझ लो मधुबनी पेंटिंग जैसी बनने वाली है एक पेंटिंग। जो मैंने मधुबनी पेंटिंग मैंने बनाई नहीं, लेकिन ये वैसे ही है सेम, तो सोच रहे मैंने भी मधुबनी पेंटिंग बना ली है क्योंकि इसमें डिज़ाइन फुल है, तो ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनने वाली है। हमें छोटी डिटेलिंग के लिए 0 पॉइंट का ब्रश यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हम बड़ा ब्रश यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि हमें 0 पॉइंट का ब्रश यूज़ करना है। ये मेरा ब्रश ऐसे ही नोकर ब्रश है, जो कि मैंने जो मेरे 10 रुपये में आ गया था, एक्चुअली आता नहीं है, 100 से ऊपर तक का ही आता है 0 पॉइंट का ब्रश। ये थोड़ा नोकल वाला है, तो मैंने अभी इसी से चला रही हूँ मैं काम, कि मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी, आप जब देखना। अब मैं लीफ में भी इसी तरीके की डिटेलिंग देने वाली हूँ। एंड अब हम करते हैं स्टार्ट मोर में। तो मैंने ब्लू में हल्का सा वाइट कलर यूज़ करा है, ये भी एक्रेलिक पेंट है, तो अब मैंने इसमें वाइट कलर यूज़ करके हल्का ब्लू करा है। एंड देन साइड में से मैं फुल ब्लू करने वाली हूँ। तो देखिए अब हम करते हैं स्टार्ट आईब्रो बनाना, जिसमें मैं एक्रेलिक कलर ही यूज़ करने वाली हूँ। आपने कभी ऑयल पेंटिंग या फिर एक्रेलिक पेंटिंग की है तो मुझे कमेंट में जाके बताना। ये थोड़ा टफ़ होता है ये एक्रेलिक पेंटिंग एंड ऑयल पेंटिंग करना, वाटर कलर से ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें कलर सूख जाते हैं, ब्लेंड बाद में नहीं कर सकते, लेकिन वाटर कलर में हम कभी भी ब्लेंड कर सकते हैं, बस उसमें पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन एक्रेलिक जो पेंट होता है वो जाते ही सूख जाता है, उस फिर हम कितना फिर उसमें हम पानी भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सूख जाता है। इसलिए एक्रेलिक पेंटिंग करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन जब बन जाती है एक्रेलिक पेंटिंग तो बड़ी मस्त लगती है। एक बार आप भी ट्राई करके देखना ना। अब हमारी पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है। आपको पेंटिंग में अभी तक क्या क्या सीखने को मिला उसमें थोड़ा वर्क करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, तभी तो आप अच्छी पेंटिंग या फिर अच्छा स्केच बना सकते हो। तो अब हम आई बना रहे हैं, जो मैंने एक्रेलिक का ही कलर यूज़ किया है, तो इससे अच्छी डिटेलिंग आएगी। तो क्योंकि ये एकदम इसमें इस कलर से आईज़ जो है हमारी एकदम रियल दिखने वाली है। एंड अब हम वाइट कलर यूज़ करते हैं मोतियों के लिए, जो भी एकदम रियल दिखने वाले हैं। लास्ट में आप देखना पेंटिंग को किस तरीके से ये बनने वाली है, क्या क्या डिटेलिंग इसमें मैंने दी हैं, वो सब आपको लास्ट में पता चलेगा। आपको लास्ट में एकदम इस पेंटिंग में डिटेलिंग समझ जाएगी कि मैंने किस तरीके से डिटेलिंग दी है। तो आप वीडियो को एंड तक देखो, एंड अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो उस पर वर्क करो, उसको समझो। अब हम मोरपंख बनाते हैं। जो मैंने तो सबसे पहले मैं हल्का ग्रीन करूँगी, एंड देन उसके बाद इसके ऊपर हल्का डार्क ग्रीन करूँगी। अब मैं रेड कलर से बिंदी बनाऊँगी राधा जी की, एंड इसी से मैं कृष्णा जी का तिलक बनाने वाली हूँ। अब पेंटिंग पूरी कंप्लीट होने वाली है, तो आप देखना कि मैंने किस तरीके से इसमें डिटेलिंग की है, तो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम इसको मास्किंग टेप को हटा देते हैं,
जिससे हमारी फिनिशिंग आएगी साइडों में, तो उससे भी हमारा जो पेंटिंग है वो अच्छा दिखेगा। तो आपको उसको भी लगाना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नहीं तो कलर फैल सकता है हमारा। वाटर कलर में तो और ज़्यादा कलर फैलता है, तो आपको ये भी लगाना है अपनी पेंटिंग में। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, आपको आसानी से ये 30 से 40 तक मिल जाएगा। तो अब हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है, तो आप देखिए कि इसमें कितनी डिटेलिंग है, कितना अच्छे से मैंने इसको बनाया है, हर चीज़ से लेके ब्लैक के ऊपर मैंने किस तरीके से कलर किया है। तो बस आपको यही देखना है कि हम एक्रेलिक पेंट भी किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी? आई होप आपको पेंटिंग ये बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से डिटेलिंग वर्क किया है। इसमें थोड़ा मधुबनी पेंटिंग का भी काम है, जो कि एक्रेलिक पेंट के ऊपर मैंने किया है। तो आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, आपने इससे क्या क्या सीखा। जो मैंने सीखा वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा आपको समझाया कि हम कैसे कलर के साथ पेंटिंग करते हैं, एक्रेलिक कलर एंड वाटर कलर सबके साथ। तो मुझे कमेंट में जाके बताना आपने इससे क्या क्या सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नया तो चैनल पर सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि है स्केच की आने वाली है। मैं आपको उसमें स्केच के बारे में सिखाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को भी एंड तक देखना। उसमें आप स्केच के थ्रू सब कुछ सीखने वाली हो कि किस तरीके से हम शेडिंग ब्लेंडिंग सब चीज़ करते हैं। तो आप उस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखना। एंड इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।